जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं दूध की बोतल चल रही है जी, साथ में देख रहे हैं तो ये लफंगे। तो अच्छा, दिल्ली स्वीट्स है जी, मशहूर अमरूफ दुकान। मोबाइल लिया है मैंने, इसको बोला कुछ पिला दे, इसको लेकर दिया। अरे मोबाइल भा, अच्छा जो भी है यार, मैं आपको घर जाकर इसका ना बॉक्स जो है अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ मैं, ये कौन सा लिया और कितने में लिया है पाकिस्तान से, क्या वैरायटी है यार, देखते हैं जी। तो अभी मैं घर पहुंच चुके हैं, यानी के तो आपको दिखाता हूं मैं। पहले तो देख लें, ये सलमान मोबाइल है इस शहर में। अच्छा मैं आपको गांव की और शहर की वीडियो शेयर करूंगा, बताऊंगा यार शहर कौन सा है जहां पर आप रहते हैं। तो ये अभी ओपन कर लिया है और जो कुछ भी है, यानी कि ये रसीद वगैरह उन लोगों ने बना कर दी है अपनी। तो इसके अलावा मोबाइल के प्राइस लिख दिए हैं, जितने कितने का लिया है, कौन सा है। अभी मोबाइल ओपन करते हैं, मैंने अनबॉक्सिंग करवाई ही नहीं है उधर से, मैंने उसको बोला ऐसे ही दे दो यार, मुश्किल नहीं है, हम खुद अनबॉक्सिंग कर लेंगे। तो हालांकि पाकिस्तान में आपको पता है सब करवा लें भी यही बेस्ट है, आप अपनी सिम वगैरह वहां पर लगवा कर चेक कर, हर चीज़ चेक कर लें भी यही बेस्ट है। लेकिन मैंने ले लिया, मैंने बोला चलो चलते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, कौन सा मसला होगा न्यू, अगर कोई हुआ तो मैं आ जाऊँगा दोबारा, थोड़ी उनके साथ गपशप है, चलो रिप्लेस कर लेंगे। बहरहाल आपको दिखाता हूँ कौन सा है जी। तो ये है जी, देख लें, इन्फिनिक्स नोट 11। अच्छा ये नोट है, आप हॉट बोल रहे हैं नोट है। अच्छा ये नोट 11 है, मैं समझ रहा था शायद रास्ते में ये लेकर दिया, तो मुझको बोल रहा था कि नोट है चाचू, मैंने बोला नहीं यार, मुझको तो बोलता नहीं नोट है। और वहाँ पर नोट 11s था और नोट 11 प्ले भी थे और 12 हॉट 12 भी थे। बहरहाल मुझे ये बेस्ट लगा यार, इसमें है क्या क्या ये आपको पहले क्लियर कर दूं। बैक साइड पर आपको मैं बताता हूँ, इसमें 128GB स्टोरेज है, 4GB रैम है और इसके अलावा 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, एंड्रॉयड 11 मिल जाएगा आपको। सेल्फी कैमरा आपको 16MP का विद ड्यूल फ्लैश लाइट के साथ मिलेगा। और अगर बात करें हम बैक कैमरे के मतलब, तो 50MP प्लस 2MP विद क्विड फ्लैश लाइट के साथ है। प्रोसेसर की बात करें तो आपको G88 एंड 4G 3G एंड 2G। और अगर बात करें इसकी डिस्प्ले के मतलब, 6 या 7 इंच का इसका डिस्प्ले है और FHD प्लस में है, आपको OLED डिस्प्ले नहीं मिलेगा इसमें, FHD प्लस मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2400 है, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं मेन, बाकी इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें इसके अंदर क्या बोलता है मिलता है। मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि मैंने वहाँ से अनबॉक्सिंग नहीं करवाई इसकी, वो इसलिए नहीं करवाई, मैंने बोला यार घर जाकर इसकी अनबॉक्सिंग कर लेंगे वही बेस्ट है। तो बाकी चलो करते हैं अनबॉक्सिंग। रैपर अगर इसको इसके ऊपर से, अच्छा अक्सर मोबाइल आपको सैमसंग के मिलेंगे ऐसे वो निकलते हैं, लेकिन ये आपको इधर से ऐसे निकालना पड़ेगा। देख लें जी, ऊपर से ये जो इसका बॉक्स है ये अलहदा हो जाएगा, उसके बाद ये अनबॉक्सिंग का बहुत मज़ा आता है ऐसे। तो बहरहाल आपको मोबाइल आ गया जी, हम मोबाइल पहले निकाल लेते हैं, डिवाइस निकाल लेते हैं और इसके बाद फिर बैक साइड से इसकी लुक देख लें। ब्यूटीफुल है यार, शॉमी जैसी लुक दे रहा है, आप अगर अंदाज़ा करें खुद से, ये शॉमी का 11 लाइट है, उस जैसी लुक दे रहा है। तो बहरहाल मैं इसको ओपन करता हूँ जी, इधर से निकाल लेते हैं, इसको चलाकर दिखाऊंगा आपको, कैमरा वगैरह चेक करवा दूँ, प्राइस इसके बता दूंगा आपको। पाकिस्तान में आप अगर लेते हैं तो आपको कितने तक का मिलेगा ये, अच्छा डिस्काउंट वगैरह करके क्या प्राइस है इसके, इसके ऊपर भी जो भी 33W का फास्ट चार्जर है जी इसमें, ये भी क्लियर करता चलूँगा आपको। 50MP का आपको बता ही चुका हूँ मैं, 33W का फास्ट चार्जर आपको मिल जाएगा इसके अंदर से ये। और क्या, पहले मैं डिवाइस ऑन कर देता हूँ, उतनी देर में ये ऑन हो जाता है, हम और इसके अंदर देख लेते हैं स्टिकर वगैरह हैं कुछ, अगर हम इसको उठा लेते हैं तो नीचे से क्या मिलता है। मेन चीज़ होती है अगर हमें प्रोटेक्टर मिल जाए, यानी कि जिसे हम ग्लास बोलते हैं, और उसके अलावा अगर हमें मिल जाए इसमें क्या बोलते हैं इसका कवर। और ये है जी 1 ईयर मैनुअल वारंटी के साथ है जी, देख लें, और साथ में वारंटी कार्ड भी इसके अंदर रखा हुआ है, और साथ में इसका ये कवर है देख लें, और नाउ लिखा हुआ पीछे इनफिनिक्स नाउ, एक ब्यूटीफुल किस्म की लुक है, आप देख रखे होंगे पढ़ रखे होंगे, शाइनिंग लुक देता है लाइटिंग में। और कैमरे का ये जो डिज़ाइन रखा गया काफ़ी बड़ा रखा गया, डिवाइस भी ओपन हो चुकी है, लेकिन नीचे ये क्या चीज़ है यार, अभी ये तो 1X गोल्ड,
अभी मैं इसके मतलब वेलकम टू जॉइन एक्स क्लब, अभी ये सिस्टम है जी कोई इन्फिनिक्स वालों का खुद से, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर होगा उसमें आपको ये कोड स्कैन करना पड़ेगा। बहरहाल ये आगे मैं देखूंगा, अगर कुछ इसमें काम की बात हुई तो आपको बता दूंगा। डाटा केबल है वही अंदर से ऑरेंज है जी, टाइप सी, यानी कि ये फास्ट चार्जर की निशानी होती है, 33 वाट का फास्ट चार्जर है। आपको इसके अंदर से इन्फिनिक्स वालों का एक बड़े किस्म का चार्जर मिल जाएगा, इतना ज़्यादा भी वेट नहीं है इसका, लेकिन 33 यानी कि 33 वाट का फास्ट चार्जर है आपको मिलेगा। और पिन है जी काफ़ी अच्छी पैकिंग में रखी गई है सिम निकालने और लगाने के लिए, और इसमें हैंड फ्री का ऑप्शन नहीं है जी, हैंड फ्री नहीं आती है अभी मोबाइलों में। ये एक मुझे चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि आदमी बाहर से 1000 रुपये लगाए अच्छी हैंड फ्री लेने के लिए। अगर आप एयरबड्स वगैरह लेने चाहते हैं तो फिर आपको पता है वो इससे भी महंगे हो जाएंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद बैक चले जाते हैं। एक दफ़ा मैं बोलता हूँ इसे इंग्लिश में कर लेते हैं, फिर वही बेस्ट है। तो पाकिस्तान इंग्लिश एंड देख लेते हैं जी इंग्लिश लैंग्वेज किधर है जी। तो इंग्लिश सेलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अपना जो आपका कंट्री है पाकिस्तानी, जाहिर सी बात है सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट करें, इंसर्ट सिम कार्ड स्किप कर देते हैं, इसको सिम तो बाद में लगा लेंगे। कनेक्ट वाईफाई है जी, मैं अभी इसको भी स्किप कर देता हूँ। और उसके बाद ऑप्शन सिस्टम है जी जो भी है इसका, और जॉइन यूजर एक्सपीरियंस तो इसको भी हम यस कर लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह होती है इनकी, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर मोर एंड एक्सेप्ट गूगल की जो टर्म एंड कंडीशन होती है आपको पता ही। फिंगरप्रिंट स्कैन वगैरह अभी तक लॉक्स में कुछ भी नहीं लगाते हैं हम, एंड ट्रांसफर फाइल वगैरह मोबाइल पुराने से वो भी नहीं है। अगर लॉक वगैरह की बात करें तो लार्ज या मीडियम साइज़ का इसको भी स्किप कर देते हैं। तो XOS जो मैंने चीज़ आपको दिखाई थी ये वाली, अभी वो आ चुकी है, अभी देख लेते हैं ये क्या सिस्टम चलता है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है ठीक है, गो इट कर लेते हैं। ये चीज़ है जी इसमें, इंशाल्लाह जो भी इसके मतलब अगर फ़ायदा हुआ तो आपको बता दूंगा। डिवाइस ओपन हो चुकी है जी, चलाने में काफ़ी स्मूथ मुझे इसमें दिखाई दे रही है। अभी जो बेसिकली चीज़ हम चेक करेंगे वो सबसे पहले इसका कैमरा चेक करेंगे। मैं इसका कैमरे का ऑल कैमरा लिखा हुआ यही बेस्ट है जी, HDR 1 प्लस में है। और देख लें जी एक फैन क्या पकड़ते हैं यार, यही पकड़ लेते हैं इसका बॉक्स जो है, इसी के ऊपर कैमरे को चलाकर चेक कर लेते हैं, देख लेंगे कैमरे का रिजल्ट चेक कर लें। बस इनके ऊपर क्लिक करना ही थे, हाँ थले क्लिक कर इतने, फिर मोबाइल पर क्लिक करो, मोबाइल के ऊपर वाली साइड थे, हाँ वीडियो में अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा। बहरहाल इसका कैमरा घुमा लेते हैं और खुद से मैं देख लेता हूँ, देख लेंगे। सेल्फी कैमरे का रिजल्ट भी अच्छा है, बाकी इसमें आपको ब्यूटी, ये ब्यूटी है अभी देख लें आप, इसमें आप फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं और जो भी सिस्टम है जी ब्यूटी के मतलब आपको पता है इन्फिनिक्स वगैरह ओप्पो वीवो इनमें काफ़ी कुछ रखा होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके, मुझे तो बेस्ट लगा है अभी तक कैमरे के लिहाज से भी। स्टोरेज मैंने आपको बता दी 128/64 रैम के साथ। तो बैक साइड से इसकी लुक देख लें, कैमरों की लुक इसको मेरी काफ़ी, मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी है। और ये शॉमी वालों का जो ब्रांड है मुझे 11 लाइट सेम उस जैसी इसकी बैक साइड से शाइनिंग लुक है, वाइट में आपको कैमरों का लुक भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। 50 यानी कि 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिल रहा है प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ। सेल्फी कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है। नीचे वाली साइड से आप बात करें स्पीकर के लेंगे, चार्जिंग एंड हैंड फ्री लगाने की जगह है, हालांकि हैंड फ्री बॉक्स के अंदर दी नहीं गई है लेकिन हैंड फ्री आप लगा सकते हैं। सिम आप इसमें ड्यूल यूज़ कर सकते हैं और मेमोरी कार्ड या यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर ऑन ऑफ, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यही है जी, पावर ऑन ऑफ और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको यही मिलेगा इसमें। बेस्ट चीज़ लगी है जी मुझे। और अगर हम अभी प्राइस के मतलब बात कर लेते हैं, मैं उनकी जो स्लिप है वो आपको दिखा देता हूँ मैं, और उसके बाद स्लिप देख लेते हैं आपको, स्लिप के ऊपर ही आप प्राइस देख लें। 29,000 इस मोबाइल की प्राइस थी जी और हमें मिला है ये 26,500 में। अभी एक दो बातें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और जो कि यकीनन आपको फ़ायदेमंद होंगी। तो मोबाइल का मैंने आपको मुकम्मल दिखा दिया, लास्ट में आपको सिर्फ बताने ये वाला था मैं कि अगर हम पाकिस्तान से लेते हैं तो इसका IMEI जो कोड होता है वो खुद से चेक कर लें गूगल के ऊपर या दुकान वाले को बोल दें मुझे खुद से चेक करवा दें। मोबाइल दोबारा तो बॉक्स पैक नहीं किया गया पाकिस्तान में, ये भी ऐसे भी बहुत मसले हैं। किसी बाएतमाद शॉप के ऊपर जाएं, चाहे आपको 200-400 रुपये महंगा ही मिल जाए उससे आपको बेस्ट रहेगा। नीचे इसका आप देख लें जी जितना कुछ इसके अंदर से निकला है तमाम तर मुझे डिवाइस अच्छी लगी है, बाकी इसको चलाएंगे अच्छा। और ये भतीजे हैं जी दो, ये इसने लिया है,
इसलिए लिया है, पुराने वाला मोबाइल जो है उसकी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ, इस बंदे ने उसके साथ किया क्या है देख लें आप। ये गिरा है और उसके गिरा भी ऐसे है कि जैसे कहीं इसने तीसरी बिल्डिंग से इसको गिराया, तो अभी चलने के काबिल ही नहीं रहा ये, तो नया ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। डिवाइस अच्छी है, चूज़ करेंगे फिर आपको साथ किसी दिन किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे चलता है।